अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको शरी आपके फेवरेट प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है दित साली। व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेशुमार स्कूल ऐसे हैं जो जहां बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है, और उसके साथ साथ बेशुमार बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स डे में भी हिस्सा लेते हैं और स्पोर्ट्स डे वाले दिन बहुत इंजॉय करते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं इस वक्त मौजूद हूँ डी सिटी स्कूल तरक्षा कैंपस में, और यहाँ पर आज स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। तो आइए आज के इस प्रोग्राम में यहाँ जानते हैं कि यहाँ जितने बच्चे इस सिटी स्कूल में पढ़ते हैं, तो आइए इनका देखते हैं स्पोर्ट्स डे कैसा होता है, किस तरह इन्जॉय करते हैं और इनके साथ शेयर करते हैं दित साली। Let's check it out. ये पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे हैं जो अभी जो है पार्टिसिपेट करेंगे इस स्कूल की जो मुख्तलिफ क्लासेस के बच्चे हैं, ये सारे बैठे हुए हैं और ये सारे इंजॉय कर रहे हैं। आपका नाम? हमजा। क्या करने वाले हैं अभी, किस में हिस्सा लिया है? पिक अप द बॉल, पिक अप द बॉल, पिक अप द बॉल, फ्लैट रेस, रिले, रिले, टग ऑफ वॉर। अच्छा, मुझे बताएं आप ऐसे सबसे पिक अप द बॉल में कौन फास्ट है, कौन किसको उम्मीद है वो जीतेगा? हमजा। हमारी एक ही टीम है, हम ही जीतेंगे। ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। आपने किस में खेली है? पिक अप द बॉल। जी क्या उम्मीद है कि जीत जाएंगी? जीतेंगे, जीतेंगे। तैयारी पक्की है? पक्की, पक्की है। अगर हार गए फिर? फिर कुछ नहीं। चलो हम देखते हैं कि आप जो है किस तरह पिक अप द बॉल करते हैं, और उम्मीद है कि आप जीतेंगे। हमारे साथ शेयर करें दी ताली, ताली मारें। आप मुझे बताएं आपने किसमें हिस्सा लिया? रिले रेस। तो आप लोग जो है अभी पिक अप द बॉल करेंगे, और हार जीत गेम का हिस्सा है? सही। बस आप देख रहे हैं कि पिक अप द बॉल जो है अब यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट किया है बच्चों ने, और ये चार टीमें हैं, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है और जो है येलो है। तो अब ये देखते हैं कि ये पिक अप द बॉल में कौन सी टीम जीतती है, और आप ये देख रहे हैं कि बॉलें रखी हुई हैं और इसको पिक करना है और कौन फास्ट है। जी नाज़रीन, जो है फर्स्ट जो है हमारे ब्लू हाउस आए फर्स्ट, और सेकंड जो ग्रीन हाउस आए, और येलो जो है थर्ड हाउस आए। तो जनाब आप फर्स्ट आए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। पहले तैयारी की भी थी? पहले ट्रेनिंग की थी। ट्रेनिंग की थी, घर पे भी जाके, घर पे जाके ट्रेनिंग की थी। ठीक है, जीत जाएंगे जी। आप सेकंड आए, फर्स्ट क्यों नहीं आए? अंकल बस थोड़े से आहिस्ता भाग। क्या कमी पेशी रह गई? पता नहीं, बस जो बीच में सेकंड लड़का आया था वो आखिर भागा, फिर सब तेज भागने लग गए। अगले साल मेहनत करनी है, फर्स्ट आना है। ठीक है, गो ग्रीन। आप इधर आए, आपने आप थर्ड क्यों आए भाई? आप सेकंड क्यों नहीं आए, फर्स्ट क्यों नहीं आए? तैयारी कम थी? अगली दफा और ज्यादा मेहनत करनी है। जी नाज़रीन, अभी आपने देखा था कि यहाँ पर जो बॉयज थे उनका पिकिंग ऑफ द बॉल था, उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया था और वो जीत भी है, विनर भी है हमारे साथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो विनर आए थे वो उनको हमने आपसे मिलवाया। अब जो है गर्ल्स की जो है पिकिंग ऑफ द बॉल जो है चार टीमें बनाई गई हैं, रेड है, रेड हाउस है, ग्रीन हाउस है, येलो हाउस है और ब्लू हाउस है। तो अब देखते हैं कि जहाँ बॉयज ने पार्टिसिपेट किया था और वो जीते, अब देखते हैं कि गर्ल्स में कौन सा हाउस जो पार्टिसिपेट करता है। लेट्स चेक इट आउट।
tell the guitar to sing. Hear your fever bells ring. Now piano move. Cause I really wanna see you dancing. I really wanna see you moving. There's a party on a boat we cruising. Whoa. If you're feeling like a villain, then move your body. Don't stop, move your body. Give it all you got now, everybody. Balamos, balamos. आप पहले से उम्मीद थी कि आप जीतेंगी? जी. कैसे? प्रैक्टिस की थी पहले? जी. जी आप सेकंड आई हैं. सेकंड आया क्यों भाई? उसको क्या हो गया? कुछ नहीं. तो भाई फर्स्ट आ गया. चलो अगली दफा तैयारी करके आनी है और फर्स्ट आना है. जी आप ब्लू हाउस तो मुझे बहुत खामोश से नजर आ रहे हैं. क्या हो गया? कुछ नहीं. लास्ट तो नहीं है ना थर्ड आई? फिर कोशिश करेंगे तो फर्स्ट आ जाएंगे. राइट सही है. अभी अगली दफा कोशिश करनी है. सही है. आप लोगों को इसी बात पे ताली मारें.